आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो सबके पास है लेकिन सब मैनेज नहीं कर पाता। उसका नाम है रिस्क और हमारे चैप्टर का भी नाम है रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट जो कि है चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज आवर SFM, प्यारा SFM का चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल, इजंट इट? यस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक, दैट इज व्हाट द रिस्क मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इस चैप्टर में कंटेंट होगा, व्हाट आर द कंटेंट्स इन दिस चैप्टर। हम लोग अगर इस चैप्टर पढ़ ले तो हमें क्या पता चल जाएगा, आइए उसकी बात करते हैं कि हम लोग अगर ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या निकलेंगे। जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूं तो उसके आउटकम्स पे मेरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि आपको ये बात जाननी जरूरी है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो। हम अपने हाई स्कूल या इंटर में जब पढ़ा करते थे तो भाई देखो क्या होता था कि हम लोग पढ़ते थे, सपोज करो मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये पता ही नहीं रहता था क्या पढ़ रहे हो, क्या इसका मतलब, यूजेस क्या होगा। तो अगर इफ वी आर एट दिस स्टेज वी शुड मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन यूज दिस थिंग्स। और प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन ये इसमें थ्योरी पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो हम लोग क्या सीखेंगे आखिर इससे। अब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में तो सीखेंगे ही सीखेंगे, बट अगर बात करें हमारे इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में तो वो क्या क्या है। अपना ICAI, डियर ICAI लिखता है, आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर स्टूडेंट शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रिस्क वो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन पे अगर रिस्क है, अगर है तो हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो अगर रिस्क है तो पहली बात आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा इस चैप्टर के बाद कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भाई कौन सा रिस्क है, उसके हिसाब से हम लोग उस पर वैल्यूएशन करेंगे, उसको सही करेंगे। तो पहला आउटकम क्या निकलेगा, आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, और उसको इवैल्यूएट करोगे। जो भी रिस्क रहेगा हमारे पास, फाइनेंशियल रिस्क रहेंगे, उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, जितनी भी रिस्क रहेंगे अब वो हमें इवैल्यूएट करके उसके बारे में डिसीजंस लेने हैं। आइडेंटिफाई कर ली, इवैल्यूएट कर ली, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ गलती हो गई कहाँ नहीं हुई, कैसे ये रिस्क हो गया, कैसे इसको सही किया जाए। फिर उसके बाद तीसरा, वैल्यू एट रिस्क। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कितना रिस्क है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वार करके, कैसे वार करके, लड़ाई करके, जी नहीं, VAR, वो वाला वार नहीं, WAR नहीं है, VAR, इतनी इंग्लिश तो अपने को भी आती है, isn't it? Yes, value at risk, so that is war। इससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि रिस्क की वैल्यू क्या है। हमारे इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्क है, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वहां पे कहीं रिस्क है, सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ द रिस्क। सपोज कर मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना रिस्क है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि मेरा कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, वो हो गया, वो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, दैट दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल पार्ट इज, वैल्यू एट रिस्क। नाउ लास्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। अब हमें एप्रोप्रिएट मेथड लगा के उसको मैनेज करना है, सो हाउ वी विल इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएट मेथड। अब एप्रोप्रिएट मेथड को कैसे इवैल्यूएट करें, आपने रिस्क तो जान लिया, You got to know कि what is the risk within your organization, but आपको ये भी जानना जरूरी है कि evaluation of appropriate method, कौन सा method हमारे लिए सही रहेगा उस particular risk को सही करने के लिए, तो हम उसको identify करेंगे और manage करेंगे risk को। So all about risk and risk,
हो यो। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको शुरू करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा रिस्क क्या होता है। सपोज आपके पास बिजनेस है, छोटी सी डिस्कशन, आई होप आपको पता ही है, अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिस्क के बारे में। अगर आप रिस्क के बारे में बात करो, सो व्हाट डज इट, रिस्क क्या है? रिस्क कुछ नहीं है, बस आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी, घर लिए हो आप या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउटकम, और वो उसकी वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। अब ये जो चेंजेस है, ये अप एंड डाउन जो है, जो आउटकम में वेरिएशन है, उसी को बोलते हैं रिस्क। ये है रिस्क। आप आउटकम से एक्सपेक्टेशन जो होती है ना आपकी, वो अप डाउन होती है, जो आपका आउटकम है। सपोज करो आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आपको क्या लगता है कि 10 करोड़ का 10 करोड़ मिल जाएगा, आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में रिस्क है कि ये वैल्यू डाउन हो सकती है, अप भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो रिस्क, देयर इज अ रिस्क फैक्टर, आपको आपके आउटकम को जो इंपैक्ट कर रही है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट द रिस्क इज, इजंट इट क्लियर। और मैनेजमेंट, उसी को हम लोग मैनेज करेंगे। रिस्क तो पहचान लिए कि भाई साहब ये आप ही हो रिस्क, लेकिन इसको मैनेज भी करना हमारा जिम्मेदारी है, जो हम लोग करेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट तक तो हम लोग आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करेंगे, फिर मैनेज करने की बात करेंगे, ये वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पोर्शन पहले देखते हैं कहां तक कंप्लीट होता है, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। A business organization faces many types of risk, important among them are discussed as below. देखिए, अपना ICAI बोलता है कि भाई देखो दुनिया भर का रिस्क है। आप दुनिया भर का रिस्क छोड़ो, जो हम बता रहे हैं जो की रिस्क है। देखो रिस्क तो आप पैर बढ़ा रहे हो तो गिरने का रिस्क है, चल रहे हो एक्सीडेंट होने का रिस्क है, हर जगह रिस्क है। There are several types of risk, but what ICAI is doing is, what ICAI is saying कि आप को मैं कुछ स्पेसिफिक रिस्क दे रहा हूं, उसके बारे में आप पढ़िए, आपका उद्धार हो जाएगा। जी हाँ, उतना ही चाहिए, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटी ऐसा ही रिस्क देखने को मिलेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर लोगे। नाउ क्या है रिस्क जो ICAI दिया हमें? एक है स्ट्रेटेजिक रिस्क, फिर है कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में पार्ट्स है, ठीक है, तो 4 रिस्क ये हो गए, चौथे रिस्क में थोड़ा सा पार्ट है, फिर फाइनेंशियल रिस्क पे हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे और आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने टाइप का, हमारे ICAI के सिलेबस में 4 रिस्क दिए हुए, हम 4 रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल रिस्क जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फिर उसका एप्रोप्रिएट मेथड निकालेंगे। तो हमारा मेजर फोकस फाइनेंशियल रिस्क पे रहेगा, क्योंकि हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस की बात करेंगे। हमने एग्जांपल भी आपको फाइनेंस का दिया कि 10 करोड़ लगा, इतना 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 हुआ, तो हम लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, तो फाइनेंस के ऊपर ज्यादा बैकग्राउंड नहीं बोलना चाहिए, फाइनेंस बैकग्राउंड से, CA कैन डू एनीथिंग आई बिलीव। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा मेन फोकस रहेगा फाइनेंशियल रिस्क पे। फाइनेंशियल रिस्क हम लोग पढ़ेंगे 3-4 रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर अपने वैल्यूएशन जो करें, वैल्यूज निकालेंगे, मेथड्स को जो देखेंगे, तो वो होंगी फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड। चलिए, पहला रिस्क है स्ट्रेटेजिक रिस्क। आपको क्या लग रहा है, साउंड्स क्या लग रहा है कि आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो, स्ट्रेटेजी पास होगी फेल होगी? रिस्क तो है बॉस, आप हायर लेवल पे टॉप मैनेजमेंट आपका कोई स्ट्रेटेजी बनाता है कि भाई आप एग्रेसिव सेल में जाना, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सेल को डबल करेंगे, उसके लिए हमें को फंडिंग चाहिए, अपने शेयर्स को बेच के अपना स्टॉक कम करेंगे, तो रिस्क तो है, मतलब बड़ी बड़ी बातें जो होती है, स्ट्रेटेजी जो बनती है उसमें भी रिस्क है।
जी हाँ है, रिस्क है। चलिए बात करते हैं डिटेल में। सक्सेसफुल बिजनेस ऑलवेज नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड बिजनेस प्लान। जी बिल्कुल, एवरीवन नोज दैट अ सक्सेसफुल बिजनेस नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वेल थ्रू आउट बिजनेस प्लान। एक अच्छा तगड़ा मजबूत हर किसी को एक प्लान चाहिए रहता है अगर उसे सक्सेसफुल बनना है, और अगर कोई सक्सेसफुल बना है तो इसी के बलबूते बना है, इसी के बेसिस पे बना है। बट इट्स ऑल्सो फैक्ट ऑफ लाइफ दैट इट ब्रिंग्स चेंजेस। इफ थिंग्स चेंजेस इवन द बेस्ट लेड प्लान्स कैन बिकम आउटडेटेड। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, क्या प्लान थे, बेस्ट एंड बेस्ट प्लान्स थे उनके। मतलब अगर कोई चूज करता है भाई नेट यूज करना तो एयरटेल यूज कर लो, वोडा यूज कर लो, नाउ द जियो इज किंग। तो आपके पास बहुत सारी अच्छी प्लान्स है, बट चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं। इफ इट कैन नॉट कीप पेस विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, दिस इज वर्ल्ड कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्क। और एकदम जबरदस्त उसका एग्जाम्पल आपको समझना है तो डाबर का समझ लीजिए। डाबर कंपनी जो है वो अपने आप को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो लाते हैं, अभी पतंजलि सबसे आगे निकल गई है, ग्लोबल कंपनीज को टक्कर दे रही, मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे रही। और वही बात की जाए तो डाबर चेंज नहीं कर पाया अपने समय के हिसाब से। पतंजलि कीम विद द एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट विद गुड पैकेजिंग, पैकेजिंग पे ज्यादा पतंजलि का फोकस था। तो उन्होंने समय को समझा। पतंजलि जो पहली बार आया था तो उसकी पैकेजिंग बड़ी खराब रहती थी, तो लोग नहीं समझ पाए, नहीं ले पाए, क्योंकि बदलाव, चेंज, बदलाव मतलब ट्रेंड बदल गया था। लोगों को अच्छा दिखने वाला अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। आपके घर में अगर सपोज करो टूथपेस्ट रखा हुआ है पतंजलि का दंत कांति, तो अगर उसकी डिजाइन अच्छी नहीं होगी, ऑल दो यू हैव अ ग्रेट फीचर्स, बट अगर गेस्ट घर में आते हैं अगर वो देखते हैं कि क्या डिजाइन का रखे हो, मतलब सो दे विल नॉट कीप इट, समझ रहे हो। तो व्हाट पतंजलि डिड इज की डिजाइनिंग पैकेजिंग पे फोकस की, और प्रोडक्ट्स तो इन कंपेयर विद देम और ऑलमोस्ट सेम। तो एक वहां पे ट्रेंड चेंज हुआ, तो पतंजलि ने उसको चेंज को अपनाया, इसलिए ही इज लीडिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। वही केस अगर नोकिया का, वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, नोकिया सिम्बियन पे चल रहा था, नाउ दे हैव चेंज, तो बदल गई। विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो है अगर आप देखना चाहोगे तो, केस स्टडी और नोकिया बहुत फेमस है, तो विवेक बिंद्रा सर को आप जानते होंगे, आई होप सर्च कर लीजिएगा नोकिया केस स्टडी। तो आप बदलाव नहीं करोगे तो कितनी भी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, अगर समय के साथ नहीं बदलोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। कहने का मतलब बस इतना है, और इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। सो स्ट्रैटेजिक रिस्क इज अ रिस्क इन विच कंपनी स्ट्रैटेजी बिकम्स लेस इफेक्टिव एंड इट स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल। जिस गोल के लिए बनी थी कि हम अपना सेल अगली बार डबल कर लेंगे या फिर 10% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो दैट इज व्हाट द रिस्क इज, दैट इज व्हाट द आउटकम में चेंज। हमने बोला ना आउटकम पे हम फोकस करते हैं, रिस्क इज समथिंग रिलेटेड विद द आउटकम। आउटकम अगर आप अचीव नहीं कर पाते दैट इज व्हाट द रिस्क इज। आप बोले कि मैं बैंक से लोन ले लेता हूं 100 करोड़ का, मेरा सेल अच्छा खासा 10% इंक्रीज होगा तो आई विल पे देयर ड्यूज। जैसे जेट एयरवेज का अगर करंट एग्जांपल लिया जाए तो उनके पास बहुत सारा 8000 या फिर कितने करोड़ का लोन है उनके सर, तो दे आर नॉट जनरेटिंग व्हाट कैश फ्लोज, तो कैसे रीपे करेंगे। तो अभी सिचुएशन ये है कि वो अपने उनको बेचना पड़ रहा है, तो अभी आज की न्यूज आई है कि 6 लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसमें एतिहाद एयरवेज का भी शेयर्स है, टाटा में भी, टाटा कैन ऑल्सो परचेज। तो कहने का मतलब है कि आपने प्लान जो किया था वो अचीव नहीं हुआ, दैट डज यू हैवंट अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, वो आउटकम आप अचीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो उतनी इफेक्टिव निकली नहीं जितना आपने सोचा था, ठीक है। किंग फिशर फॉर एन एग्जाम्पल, किंग फिशर ने क्या फैसिलिटी दी एट लोअर कॉस्ट, लेकिन वो चली नहीं ना, आप अपने कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाए। इतना खर्चा दी, इतनी फैसिलिटी दी लोगों को, इतना कम कॉस्ट पे ट्रेवल कराया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई, दैट इज द स्ट्रैटेजी विच गॉट फेल्ड। वो स्ट्रैटेजी इसीलिए फेल हो गई, दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजिक रिस्क इज।
इट कुड बी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. जी हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जैसे कि सैमसंग इज नाउ बिकमिंग वर्ल्ड. अपने आप को उसकी जो क्या बोलते हैं डिजाइन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, डिजाइन बहुत ज्यादा है, तो सैमसंग डाउनग्रेड हो रहा है, Xiaomi अपवर्ड जा रहा है, Xiaomi का सेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलाव करना होगा. आपको टेक्नोलॉजी देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी हर बार. स्नैपड्रैगन अगर आप जानते हो, स्नैपड्रैगन का Xiaomi में लेटेस्ट चिप आपको मिलता है. जैसे Xiaomi का एक ब्रांड है पोको F1 जो 845 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देता है, जबकि वन प्लस वो देता है आपको नियर अबाउट 40,000 प्लस. तो दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अगर कम दाम पे लोगों को मुहैया नहीं कराओगे टेक्नोलॉजी चेंजेस में, जैसे कि आप अभी देखोगे फुल स्क्रीन एम मोबाइल आ रहे हैं. अगर आपको फुल स्क्रीन मोबाइल नहीं मिले, नहीं अगर सपोज करो कोई 10K 15K प्लस खर्चा करना चाहता है, तो उसको क्या अच्छा डिजाइन चाहिए मोबाइल में, तो वो आता है पूरा एज टू एज ग्लास वाला. अभी Xiaomi का आया है रेडमी नोट 7 प्रो. सो व्हाट डज इट मेक कि आपको बदलाव करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से. अ न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट, जी हाँ ये भी है रीजन. नया मार्केट में जैसे जियो फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ इट्स कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी. अभी आप रोटी बना रहे हो, रोटी सुबह सुबह बोलो कि हम रोटी बना रहे हैं, अच्छा खासा डब्बा है, लेकिन कोई बोल रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट में जूस दे रहा हूं या फिर चीज बर्गर ये सारी चीजें दे रहा हूं, तो ये टेस्ट बदल जाता है लोगों का. अगर आपकी रोटी सब्जी की दुकान है, बगल में कोई केक की दुकान है, कोई पिज्जा की दुकान है, बर्गर की दुकान है, हॉटडॉग की दुकान है, तो लोग वहां पे अभी ज्यादा यूज ज्यादा जाने का कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट द शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड टेस्ट. ओके, कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, तो ये भी आपका रीजन हो सकता है. जैसे कि सॉरी किंगफिशर के केस में ले लो, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज हाई, वो तो बढ़ता ही जा रहा था ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. ये भी एक मेजर रीजन था, क्योंकि किंगफिशर जब फेल हुआ तो उस समय प्राइसेस फ्यूल की बहुत ही ऊपर जा रहे थे, जबकि कुछ दिन पहले प्राइसेस फ्यूल के बहुत ही कम थे, लेकिन अचानक बढ़ते गए. तो उसका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मेजर रॉ मटेरियल क्या है एरोप्लेन में, तो उसका फ्यूल, अगर फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता गया तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. और एनी नंबर ऑफ अदर लार्ज स्केल चेंजेस, और कोई बहुत बड़ा लार्ज स्केल चेंज हो गया, इट कैन बी पॉलिटिकल चेंज ऑल्सो, सरकार चली गई या फिर आ गई, तो दैट इज कैन ऑल्सो. सब समझ रहे, आउटकम पे पूरा फोकस्ड. वी हैव एग्जाम्पल, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कोडक. कोडक पहले क्या बनाता था, कोडक कैमरा की कंपनी थी, फोटो वो पहले रील वाला एक आता था जिसमें से फोटो के लिए यूज होता था, विच वॉज एबल टू डेवलप अ डिजिटल कैमरा बाय 1975, बट इट कंसिडर दिस इनोवेशन एज अ थ्रेट टू इट्स कोर बिजनेस मॉडल एंड फेल टू डेवलप इट. अभी डिजिटल कैमरा ज़्यादा चल रहे हैं, पहले क्या हुआ कोडक ने 1975 में डेवलप कर लिया, बोला कि अभी मैं इसको ला दूंगा, डेवलप करूंगा, तो मेरा खुद के बिजनेस में खतरा हो जाएगा. हाउएवर इट पेड द प्राइस, बिकॉज व्हेन डिजिटल कैमरा वाज अल्टीमेटली डिस्कवर्ड बाय अदर कंपनीज, इट फेल टू डेवलप इट एंड लेफ्ट बिहाइंड. और जैसे ही दूसरी कंपनियों ने डिजिटल कैमरा लाया, ये अपने पुराने रील वाले कैमरे पे ही फंसे रह गए. डिजिटल कैमरा जिसमें GB लगता है, कार्ड लगता है, कार्ड रीडर लगता है, वो सारी जिसमें आपको स्टोरेज के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा, सिंपल सा बात, आप उसमें कार्ड डाल सकते हो, SD कार्ड उसमें पुट कर सकते हो. सिमिलर एग्जांपल कैन बी इन केस ऑफ द नोकिया. अच्छा, नोकिया का भी केस अपना ICAI दिया है. When it failed to upgrade the its technology to develop touchscreen mobile phone, that delay enabled Samsung to become the market leader in touchscreen mobile phone. और अभी क्या होने वाला है, एक और example आएगा यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, but you can say कि cost effective Samsung नहीं है, और Indian market अभी क्या है, cost effective है, मतलब cost को लेके लोग भाई दाम बोलते हैं ना, कम दाम मजबूत वॉट
इनाम, व्हाट यू कैन से, आई डू नॉट हैव सच राइमिंग राइट नाउ. तो कहने का मतलब ये कि कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब चीप एट इट्स बेस्ट, अच्छी, मतलब चीप माल चाहिए, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, चीप नहीं, मैं एकदम सस्ता नहीं, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है. तो सैमसंग इज डूइंग गुड, बट उनकी कॉस्ट प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं रही उनकी. उनकी मार्केट ज्यादातर, सैमसंग ज्यादातर मोबाइल्स ऑफलाइन में बेचता है. तो उनका मेन जो कस्टमर प्रॉब्लम हुआ उन लोगों को, वीवो और ओप्पो वालों से हो गया. वीवो ओप्पो ने क्या किया, वीवो और ओप्पो की बात करें तो वीवो अपने जो रिटेलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती है, उन लोग को बोनस दिया जाता है, 25-26 हज़ार बोनस मिलता है, लंबा चौड़ा प्रॉफिट मिलता है. तो वो आप कभी भी किसी स्टोर में जाओगे घुसने तो बोलेगा कौन सा मोबाइल, एक मोबाइल दे दीजिए, तो वो बोलेगा वीवो का या ओप्पो का, क्योंकि उस पर उसको मार्जिन भयंकर मिलता है. तो सैमसंग की सेल वहां से डाउन हो गई और सौमी का तो अपना स्टोर खुल गया, प्रेफर्ड पार्टनर हो गए, प्राइस सेंसिटिव वो काम करने लगा. ठीक है, तो वहां पे सौमी ग्रो कर रहा था, लेकिन उसका जो मेजर कट हुआ सैमसंग का, ये वीवो ओप्पो की वजह से हुआ जहां तक मुझे लगता है. क्योंकि वीवो ओप्पो जो है वो सैमसंग जो ऑफलाइन में किंग था, अभी ऑफलाइन में ये लोग रूल कर रहे, ड्यू टू कि इनकी जो ऑफलाइन मार्केट की स्ट्रेटेजी है, ह्यूज मार्जिन देते हैं कस्टमर्स को अपने, आई मीन सेलर्स को जो इनके रहते हैं, तो वो बेचेंगे ही भाई. अगर मेरे को 15,000 वाला मोबाइल एक बेच के 1,000-2,000 रुपया मिल जाएगा तुरंत का तुरंत, तो मैं क्यों बेचूं. और सौमी क्या करता, बोला कि मेरे को 5% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, तो उनकी अलग स्ट्रेटेजी है. तो वही बात, तो सैमसंग भी अभी मार्केट लीडर से नीचे आने वाला है कुछ दिनों में, अभी कुछ सेक्टर में, कुछ कुछ चीजों में आ भी गया है. सौमी नंबर वन बन गया है कुछ स्पेसिफिक केसेस में. However, a positive example can be given in the case of the Xerox, which invented photocopy machine. Okay, when the laser printing was developed, Xerox was quick to lap up with the opportunity and changed its business model to develop laser printing. So it survived. जब जीरोक्स फोटोकॉपी करता था तो पुरानी मशीनों में लेजर नहीं, अभी मतलब लगाओ तुरंत निकल जाता है ना, तो पहले वैसा नहीं था. तो जब ये टेक्नोलॉजी आई तो जीरोक्स अपना उसको इन्वेंट किया और सरवाइव कर पाया. तो वैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं. तो ये रही स्ट्रेटेजी की बात. फिर बात करते हैं कंप्लायंस रिस्क की. एवरी बिजनेस नीड्स टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सही बात है, फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा भाई आपको, किसी भी देश, जरूरी भी है. रूल्स और रेगुलेशन, अब जैसे हमारे यहाँ कंपनीज है, इनकम टैक्स एक्ट है, अगर और भी बहुत सारे रूल्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, तो अगर आप इनको कंप्लाई नहीं करोगे तो एक पैरेलल इकोनॉमी नहीं चलेगी. जिसका जो मन रहेगा वो करेगा, जैसे मन वैसे बेचेगा, जैसे मन वैसे खरीदेगा, जितना मन उतना टैक्स देगा, ये करेगा वो करेगा, तो कैसे बिजनेस, एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट नहीं हो पाएगा फॉर बिजनेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विद द एडवेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंटिन्यूअस अपडेटिंग ऑफ द सेबी गाइडलाइंस, ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंप्लाई विद द प्लेथोरा ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस. करना पड़ता है भाई. नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनाल्टीज इन द फॉर्म ऑफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. फाइन तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में जेल जो जाना पड़ता है, दैट इज वॉट हर्ट्स. इट हर्ट्स. वॉट इट हर्ट्स? इम्प्रिजनमेंट. कंप्लाई करो भाई, रूल्स और रेगुलेशन बने, उनको कंप्लाई कर नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टीज और इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है. हाउएवर, व्हेन अ कंपनी वेंचर्स इनटू अ न्यू बिजनेस लाइन और अ न्यू ज्योग्राफिकल एरिया, द रियल प्रॉब्लम दैट ऑकर्स, अगर कोई एक बिजनेस नए ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है तब वहां पे एक रियल प्रॉब्लम ऑकर होती है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अ कंपनी परसुइंग सीमेंट बिजनेस लाइकली टू वेंचर इनटू शुगर बिजनेस इन अ डिफरेंट स्टेट. एक कंपनी जो सीमेंट का काम करती है, जो सीमेंट मैन्युफैक्चर, रॉक से सीमेंट बनाती है, आई होप आपको पता कि रॉक से सीमेंट बनता है, फिर शुगर केन के बिजनेस में जाना चाहती है, शुगर केन को निकाल के शुगर मिल्स में बना के शुगर बनाएगी वो, बट लॉज एप्लीकेबल टू द शुगर मिल्स इन द स्टेट्स आर डिफरेंट. हम
सीमेंट बना रहे हैं तो कुछ और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं अगर शुगर मिल इंडस्ट्री की तरफ जाता हूं तो हमें कुछ और रूल और रेगुलेशन लगते हैं। सो दैट पोजेस अ कंप्लायंस रिस्क, वहां पे आता है कंप्लायंस रिस्क। अगर मैं सीमेंट के बिजनेस में हूं तो वहां पे मुझे एक एक रूल, एक एक स्टेप सारा मुझे पता है, मैं उसको कंप्लाई भी कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं एक नए बिजनेस वेंचर में जाता हूं तो वहां पे एक कंप्लायंस रिस्क आ जाता है कि भाई नए रूल, नया जगह, नई चीजें, नया लॉ, तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत होती है कंप्लाई करने में। तो देयर इज अ कंप्लायंस रिस्क और उसका फाइन और इंप्रिजनमेंट भी लग सकता है। इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द लॉज रिलेटेड टू अ न्यू एरिया और इंडस्ट्री और सेक्टर, इट विल पोज अ सीरियस थ्रेट टू सर्वाइवल। अब जैसे कि एक कार कंपनी थी, अभी उसके ऊपर एनजीटी ने फाइन लगाया है, कुछ नॉर्म्स पॉल्यूशन के वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, दैट इज व्हाट द कंप्लायंस इज, अगर वो नहीं कंप्लाई करेंगे तो उनको रिस्क तो है, फाइन का भी इंप्रिजनमेंट। ऑपरेशनल रिस्क, दिस टाइप ऑफ रिस्क रिलेट टू इंटरनल रिस्क। जी हाँ, ऑपरेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड, प्रोड्यूस कर रहा है कोई अपना सर्विसेज दे रहा है, तो उस ऑपरेशन में जो रिस्क है दैट इज इंटरनल पार्ट। इट ऑल्सो रिलेट टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू कोप विद द डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। इट रिलेट्स, आई बिलीव इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू कोप अप विद द डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। रोज रोज कोई प्रॉब्लम्स आती ही हैं, अगर उनको आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, नहीं, सपोज करो एक फैक्ट्री में कोई मशीनरी खराब हो जाती है, अगर उसका सब्स्टिट्यूट पार्ट, कोई एक पार्ट खराब हो जाता है, तो अगर वो तुरंत नहीं लगता है तो आपके ऑपरेशन में रिस्क है, आपकी प्रोडक्शन डाउन हो सकती है, इजंट इट, दैट इज व्हाट द डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑपरेशनल रिस्क रिलेट टू द पीपल एज अ प्रोसेस, दोनों पे अप्लाई होता है। जैसे आपके यहाँ लोगों की कमी हो गई तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेस में दिक्कत हो गई तो भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। वी विल टेक एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस, थैंक यू सो मच, यू शुड थैंक कि एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेशन मिल रहा है, वी शुड थैंक आईसीएआई, इजंट इट, कहां का थैंक। फॉर एग्जाम्पल, उनको तो देना ही था भाई स्टडी मैट में, बट दिया हुआ। अच्छा, एन एम्प्लॉई पेइंग आउट 1 lakh फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ 10,000। आपके यहां एक आदमी है भाई, धांधली कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, 10,000 की जगह 1 lakh रुपया, बोलो भाई लो आज दिल खुश से 10,000 तुम्हारी सैलरी, 1 lakh पर मंथ। दिस इज द पीपल एज वेल एज द प्रोसेस रिस्क। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू चेक द वर्क ऑफ दैट पर्सन विच हैज मिस्टेकली वन। अब देखो यहां पर लोगों की का भी दिक्कत है और प्रोसेस का भी दिक्कत है। अगर मैं कोई भी पैसा अप्रूव करता हूं तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाए कि एक आदमी अप्रूव करे, एक आदमी उसको पास करे, एक आदमी उसको पेमेंट करे। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। नाउ द पर्सन इट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ, क्योंकि वो उसने खुद 10,000 को 1 lakh, 1 0 बढ़ाया है, बोलेगा भाई 1 0 बढ़ गया तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। और इट कैन इंस्टॉल एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो कि भाई जिसकी ड्यू जितना है उससे ज्यादा अगर पेमेंट होगा तो दिक्कत ऑटोमेटिकली एरर दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि मैं UPI पेमेंट कर रहा था, जैसे मेरे को 25,000 रुपया, अगर किस मैं जैसे ही 26,000 ट्रांसफर करता हूं तो मेरा बैंक वाला बोलता है कि परमिट नहीं करेगा, बिकॉज पर ट्रांजेक्शन वो 25,000 की मेरा बैंक लिमिट लगा के रखा है कि आप एक ट्रांजेक्शन में 25,000 ही डाल सकते हो, लेकिन 1 lakh रुपया आप डाल सकते हो एक दिन में, आई गेस। तो वो एक लिमिट लग गई, तो मैं 25 ही डाला तो चला गया, 26 डाला तो एरर दिखा रहा था, ठीक। सो दैट इज व्हाट द कंट्रोल इज, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात आती है फाइनेंशियल रिस्क, जो कि हमारा है सबसे प्यारा रिस्क, हमारे प्यारे फाइनेंस के सब्जेक्ट में फाइनेंस का रिस्क आया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क, चलिए हाइलाइटर भी चेंज करते हैं इस बार, कौन सा ये लेते हैं, अच्छा है, अपने से ही बोल रहे, अच्छा। फाइनेंशियल रिस्क इज रेफर्ड एज अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड,
चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन सच एज प्राइसेस, प्राइस बदल गया, एक्सचेंज रेट बदल गया, क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब हो गई, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा, इसमें आने वाले चेंजेस की वजह से हमारे को रिस्क होता है। दो, पॉलिटिकल रिस्क इज एंड पॉलिटिक्स की बात तो मत ही करो भाई, पॉलिटिकल रिस्क सरकार बदल गई इज नॉट अ फाइनेंशियल रिस्क इन द डायरेक्ट सेंस, बट सेम कैन बी इंक्लूडेड एज एनी अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल चेंज इन द एनी फॉरेन कंट्री मे लीड टू कंट्री रिस्क विच मे अल्टीमेटली मे रिजल्ट इन द फाइनेंशियल लॉसेस। कहने का मतलब ये है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं, जैसे मैं फ्यूल की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, अगर वो ऊपर नीचे हो गए तो क्या ये रिस्क है? जी हाँ, मेरे फाइनेंशियल रिस्क में इंक्लूड होता है, उससे रिस्क जनरेट होता है। एक्सचेंज रेट बदल जाता है, अगर रुपए की वैल्यू अगर 100 रुपए हो जाएगी आज, तो वही इन्फोसिस पेमेंट जो अगर इंडियन ऑयल पेमेंट कर रहा है, इन्फोसिस का पेमेंट है, तो वो लोग के लिए क्या है? दैट इज अ रिस्क। देखो अभी इन्फोसिस का शेयर बहुत डाउन है, जी हाँ बहुत डाउन है, क्योंकि इन्फोसिस को पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में, तो डॉलर मतलब रुपया को डॉलर करेंगे तो अभी डॉलर की वैल्यू पर रुपीस बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत है इन्फोसिस के लिए। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग आपको पेबल मतलब आप पे करने की जो क्षमता है, क्रेडिट देने की जो क्षमता है, क्रेडिट को पे आउट करने की जो क्षमता बहुत अप और डाउन हो रही, तो भी वो रिस्क है। एंड इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, दैट इज अ रिस्क, बिकॉज अगर आप लोन लियो तो आपका रेट बढ़ता है घटता है, सो दैट इज रिस्क। और पॉलिटिकल रिस्क भी एक रिस्क है, कोई भी पॉलिटिक्स में चेंजेस होते हैं, कोई भी पीएम बदल जाता है, कोई भी देश में अस्थिरता आ जाती है, जैसे कि हमारा मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट से रिलेट करता है, अगर हमारे मार्केट में कोई भी ग्लोबल सिनेरियो में कोई भी बदलाव आता है तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अकॉर्डिंगली ब्रॉडली फाइनेंशियल रिस्क कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, ब्रॉडली बात करते हैं, देयर आर सेवरल फाइनेंशियल रिस्क बट वी आर टॉकिंग ब्रॉडली, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली, देयर आर सो मेनी, बट वट वी आर स्टडिंग इज ब्रॉडली वट यू कैन कवर इट ऑल, मतलब सारा कैसे मोटा मोटी हिसाब लगा लोगे। तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क में पहला रिस्क क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क, दिस रिस्क ऑकर्स ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी विच कैन बी फेलियर टू द डिलीवर द गुड्स ऑफ द पेमेंट ऑलरेडी मेड और वाइस वर्सा, और रीपेमेंट ऑफ द बोरिंग इंटरेस्ट एटसेट्रा। दिस रिस्क ऑल्सो कवर्स द क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी। आप किसी एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप मुझे पेमेंट कर देना, या आप हम उन्हें पेमेंट कर देंगे, आप मुझे गुड डिलीवर कर देना, मैं भी कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो मेरे फाइनेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज करो मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, तो अगर मेरा रॉ मटेरियल नहीं आया तो क्या मेरे फाइनेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा सेल डाउन होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सारी चीजें हो गई काउंटर, मतलब दूसरे पार्टी के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, समझ लो, दैट इज व्हाट द काउंटर पार्टी रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, जनरली दिस टाइप ऑफ रिस्क इज फेस्ड बाय एंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जी हाँ, ओवरसीज इन्वेस्टर्स जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर जाए इंडिया वाले बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क रहता है, जनरली उनको फेस करना पड़ता है। एज अ एडवर्स एक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड होस्ट कंट्री मे लीड टू ह्यूज लॉसेस, जैसे कि H1B वीजा का अभी बहुत बात चल रहा है, अमेरिका ज्यादा इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहा, जबकि ज्यादातर इंडियन कंपनीज जो आईटी कंपनीज जो हैं वो इंडियन को हायर करती हैं, इवन फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज ऑल्सो और इंडियन कंपनीज ऑल्सो, तो वहाँ पे उन कंपनीज को लॉस हो रहा है, थ्रेट है उनके लिए, क्योंकि इंडियन जो इंडियन पर्सन्स जो हैं वो थोड़े रिलेटिवली आईटी में अच्छे भी होते हैं और कॉस्टली, मतलब ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता, अच्छे डिसेंट कॉस्ट पे आप हायर भी कर सकते हो, ठीक, तो वो उनके लिए लॉस है। दिस कैन बी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, कॉन्फिस्केशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज, जी हाँ, आपकी प्रॉपर्टीज से कोई दिक्कत हो गई, हो गया आपके प्रोटेस्ट आपके अगेंस्ट हो गया, अदानी जो है आपको अगर पता हो तो ऑस्ट्रेलिया में उनका कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करने वाले थे, कोयला खोद के वहाँ से कुछ कोयला एक्सट्रैक्ट करने वाले थे, तो वहाँ पे उनके खिलाफ कोई विरोध हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आर स्टिल विद अदानी, मोदी जी के करीब भी हैं अदानी जी, तो आई डोंट
नो कि व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, बट आई हैव हर्ड कि लोग वहां पे थोड़े बहुत प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई नेचुरल चीजों को आप हार्म ना पहुंचाएं. Arresting of remittance to home country, मतलब आप कोई foreign investor, आप देश की companies को अगर ज्यादा बढ़ावा देंगे तो foreign investors को दिक्कत हो जाता है. Restriction on conversion of local currency of host money into foreign currency, कोई restriction लगा दिया जाता है कि आप इतना ज्यादा नहीं convert कर सकते foreign currency India से बाहर, मतलब विदेश से बाहर नहीं ले जा सकते, मतलब किसी country से बाहर नहीं ले जा सकते convert करके. Restriction on as borrowing, बोरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शन कि आप इतना बोरो कर सकते हैं हमारी कंट्री में आके या फिर इतना इतना कर सकते हैं. पेटेंट्स को इनवैलिड कर दिया जाना कि भाई आप हमारे देश में जो आपने जो पेटेंट डेवलप किया ठीक है, लेकिन वो अमेरिका में आप यूज नहीं कर सकते उस पेटेंट को. प्राइस कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के प्राइस कंट्रोल कर लिए जाते हैं अगर तो ये पॉलिटिकल रिस्क है. ज्यादातर ओवरसीज इन्वेस्टर्स को दिक्कत होती है, जैसे कि अभी एयरटेल ने थोड़ा आरोप लगाया था या फिर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट जो अक्वायर किया था कि वो इंडियन मार्केट को ज्यादा फेवर कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट द पॉलिटिकल रिस्क इज एंड बेसिकली इट इज फेस्ड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर. ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है एज फार एज और इकोनॉमी इज कंसर्न, क्योंकि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. क्योंकि देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, what we are a developing country and we need huge investment. ज़्यादा से ज़्यादा investment हमारे देश में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा job creation होगा और ज़्यादा से ज़्यादा growth होगा. कोई भी developing countries को पैसे की ज़रूरत होती है, so India is one of them. Interest rate risk, ये तो भाई सब जानता है कब ऊपर नीचे हो गया कोई पता नहीं है, अगर पता नहीं तो दिक्कत है. The risk occurs due to changes in the interest rate resulting in change in assets and liabilities. Interest risk आपका कैसे asset और liabilities पे impact करे? आपकी liability है bank को pay करना है, अगर interest का rate बढ़ गया भाई तो क्या होगा? There is a risk कि आपको ज्यादा pay करना पड़ेगा. This risk is more important for banking company as their balance sheet items are more interest sensitive and their base of earning is spread between the borrowing and lending rates. जी हाँ, borrow करना जितना में लेते हैं जितना में देते हैं, that is what the basis point is. Repo rate, reverse repo rate, RBI जो rate fix करता है वो कितना में borrow करते हैं. Suppose कि मैं bank में पैसा deposit करता हूँ तो bank मुझे कितना interest देता है, वो मेरे से पैसा borrow किया है basically. तो वो मेरे पैसे को क्या दिखाएगा एज अ लायबिलिटी, तो वो मुझे 4% इंटरेस्ट देता है, लेकिन वो जिसको वो पैसा देता है वो 6% 8% 10% पे देता है. तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए जितना पे वो देता है तो उसके लिए दिक्कत है, रिस्क है. एज वी नो दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर टू टाइप, फिक्स एंड फ्लोटिंग. जी हाँ, फिक्स मतलब कि आज 10% पे बात होगी तो 25 साल बाद भी आप 10% दोगे. फ्लोटिंग रिस्क की मतलब अगर मार्केट में चेंजेस हुआ, अगर आरबीआई के रेट बदले ऊपर नीचे हुए तो मैं रेट चेंज कर सकता हूं. द रिस्क इन बोथ ऑफ दीज टाइप्स इज इनहेरेंट, रिस्क दोनों में इनहेरेंट है. इफ एनी कंपनी हैज बोरोड मनी एट फ्लोटिंग रेट देन विथ इंक्रीज इन द फ्लोटिंग एंड द लायबिलिटी अंडर फिक्स इट शैल रिमेन द सेम. अब यहाँ पे दोनों पे रिस्क है. अगर आप सपोज करो फिक्स रेट पे इंटरेस्ट लेते हो, फिक्स रेट पे आप इंटरेस्ट देते हो, पता चला ये रेट 10% थी लेकिन गवर्नमेंट ने आरबीआई में रेट को कम कर दिया तो ये और बैंक्स इसको 8% पे ला दिए, 8% पे आपको 2% का सीधा सीधा लॉस हो गया. रिस्क फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग सपोज करो आप 8% पे लोन लेते हो, अगले साल वो 10% फिर अगले साल 12-11% हो जाता, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क. जी हाँ, दिस फिक्स रिस्क विथ फॉलिंग फ्लोटिंग रेट्स the liability of the company to pay interest under fixed rate shall comparatively high हो जाएगा. जैसे हमने बात की तो रिस्क है भाई इंटरेस्ट से रिलेटेड. करेंसी रिस्क, भाई करेंसी रिस्क तो यूएस डॉलर का बोलबाला है इंडिया में, यूएस 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 सुपर पावर, एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं, वी कैन ऑल्सो बी, वी हैव एवरी पोटेंशियल to become a developed country from developing country.
हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन सकते हैं, हमारे अंदर वो सारी पोटेंशियल है, हमारे पास सब कुछ है, बट अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और स्किल की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है। द रिस्क मेनली अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द फॉरेन एक्सचेंजेस, ठीक है, करेंसी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज से ही रिलेट होगा, एज देयर कैश फ्लो चेंजेस विद द मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज रेट, द रिस्क कैन बी अफेक्टेड बाई द कैश फ्लो एडवर्सली और फेवरेबली, या दोनों हो सकता है, एडवर्स और फेवरेबल। फॉर एग्जाम्पल इफ रूपी डेप्रिशिएटेड बाई US डॉलर रिसीवेबल विल स्टैंड्स टू गेन टू द इम्पोर्टर हु हैज एबिलिटी टू पे द बिल, द बेस्ट केस वी कैन क्वोट इज इन्फोसिस एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इन्फोसिस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये फॉरेन बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। IOCL अगर खरीदता है माल बाहर से, क्रूड ऑयल बाहर से अगर खरीदता है तो उसे पे करना पड़ेगा, इन्फोसिस अगर बाहर में सर्विसेज देता है तो उसे इनकम मिलेगी या फिर उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दो कंपनीज हैं, ये बेस्ट एग्जांपल हैं करेंसी रिस्क के, अगर बढ़ा तो इनको दिक्कत। देखो यहाँ पे लिखा है इफ रूपी डेप्रिशिएट, मतलब रुपीज की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे अभी 70-72 कम हो रही है, मतलब जो बढ़ रहा है रुपीज पर डॉलर, तो इसका मतलब डेप्रिशिएशन हो रहा है। रिसीवेबल विल स्टैंड्स टू गेन, जो पैसा ले पाने वाला है वो गेन में रहेगा, जैसे कि इन्फोसिस को अगर पैसा मिलने वाला है, फिर IOCL को पैसा फॉरेन से मिलने वाला है, तो उसको फायदा रहेगा। सपोज करो उसको $10 मिला, उस 720 रुपया हो जाएगा, पहले 600 रुपया ही होता था, तो उसको 120 रुपये का फायदा हो गया। वही ये अब इम्पोर्टर के केस में हुआ है एबिलिटी टू पे, जैसे मैं IOCL की बात करूँ, उनके पास एबिलिटी टू पे है, अब उन्हें सपोज करो $10 पे करना है, ठीक है, तो $10 के लिए अब उन्हें कितना पैसा लगेगा इंटू 72, और पहले $10 के लिए इंटू 60 लगता था, तो दैट इज व्हाट द इफेक्ट इज, ओके। तो ये रिलेटेड है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के लिए इजी हो जाएगा, फायदे की बात है, इंपोर्टर के लिए दुख की बात है। फिर बात आती है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, द फाइनेंशियल रिस्क कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, कैसे इवैल्यूएट करेंगे कैसा रिस्क है, क्या रिस्क हो सकता है, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन तीन नजरों से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क। पहला, मेजर स्टेक होल्डर्स of a business are equity shareholders and they view financial gearing, that is ratio of debt in capital structure of company as a risk since event winding up. Ratio of debt क्या है, मतलब आपको pay करने, ratio of debt मतलब कि आपके पास कितनी payment करने की capacity है, वो उसे देखा जा सकता है in capital structure, आपके पास कितना capital है debt को pay करने के लिए, that is what the financial risk define is. अगर आपके पास heavy loan है और आपके पास कैपिटल नहीं है, फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, फ्लो नहीं है कैश का, दैट इज व्हाट द रिस्क कैन बी, और वो स्टेक होल्डर के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इवन फॉर अ लेंडर एग्जिस्टिंग गियरिंग इज आल्सो अ रिस्क सिंस कंपनी हैविंग गियरिंग फेसेस मोर रिस्क इन डिफरेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट, अगर आप वो पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो इवन अ लेंडर हैज अ रिस्क, जो पैसा आपको दिया है तो उसके लिए भी तो रिस्क है भाई। फिर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इफ अ कंपनी बोरोज एक्सेसिबली और लेंड टू समवन हु डिफॉल्टर्स देन इट केम टू फोर्स टू गो इनटू लिक्विडेशन। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किंगफिशर इज द बर्निंग एग्जाम्पल, यू कैन से यू कैन गेट दैट। From government's point of view, the financial risk can be viewed as a failure of any bank. Like Lehman Brothers in the America, downgrading of any financial institutions leading to spread the disturb among the society at large. अभी बीच में एक कुछ अफवाह फैली थी कि भाई बैंक में पैसे डूब जाएंगे, तो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रति डिस्ट्रस्ट आता है कि भैया उसमें पैसा आदमी रखेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत होगी।
कोई बैंक फेल होता है तो दिक्कत हो। अभी तीन बैंक मर्ज हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ देना और एक बैंक। सो उनको फेलियर से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनका मर्जर करा है। इवन दिस रिस्क ऑल्सो इंक्लूड विलफुल डिफॉल्टर्स। जी हाँ, हमारे यहाँ दो फेमस एग्जाम्पल है, तीन मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, और तीनों अभी कस्टडी में। मतलब इंडिया अभी, इंडिया की पावर फॉरेन पॉलिसी बहुत ही जबरदस्त रही है, जिसके वजह से अभी ये तीनों लोग, मेहुल चौकसी स्टिल नॉट देयर बट दीज टू आर कैन बी कैन कम इन इंडिया। मतलब आज नहीं, चार साल पांच साल बाद कभी तो आ ही जाएंगे। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू सोवरेन डेट क्राइसिस। कोई डेट क्राइसिस आता है कि सारे लोग पैसा लेके चले गए, भाई कोई पैसा ही नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट के लिए ये चिंता की बात है, इकॉनमी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इकॉनमी मतलब आपके पास GDP इज ऑल अबाउट द कंजम्पशन। जितना लोग पैसा खर्च करेंगे उतना अच्छा अपना GDP बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। तो इंडिया में भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, लोग पैसे को यूज करें, यूटिलाइज करें, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो दैट इज व्हाट द रीजन इज आवर GDP इज ग्रोइंग। ठीक है, तो बस इतना ही। अब बात करेंगे अगले वीडियो में वैल्यू एट रिस्क की, वार की, और फिर बात करेंगे अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। इन सारे रिस्क को कैसे अप्रोप्रिएटली हम लोग डील कर पाएंगे, पहले करा दें या इसको ही, या फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगले वीडियो, ये वीडियो कितना देर का हो गया, आई बिलीव हो गया, टाइम हो गया, हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जी हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरी हेल्प होगी जिससे कि मेरी रीच बढ़ेगी, लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा, मैं अपना ये जो मैसेज है, जो मैं अपना विज़न है, मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है। बाय बाय।